किंग खान यानी शाहरुख खान की लगभग हर फिल्म के बारे में आपने जरूर सुना होगा। भले ही आपने उनकी वो सारी फिल्में न देखी हों, लेकिन उनके बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन आज हम आपको शाहरुख खान की एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जो उनके करियर की सुपर डुपर फ्लॉप फिल्मों में से एक थी और जिसमें खुद शाहरुख खान काम नहीं करना चाहते थे, और ये फिल्म थी ये लम्हे जुदाई के। साल 1994 में शाहरुख खान ने रवीना टंडन के साथ एक फिल्म साइन की थी जिसका नाम था ये लम्हे जुदाई के। इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू होकर खत्म हो चुकी थी, लेकिन किसी वजह से ये फिल्म अटक गई और रिलीज नहीं हो पाई। साल 2004 में जब प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को लगा कि इस फिल्म को उन्हें रिलीज करना है, और जो परेशानियां उन्हें पहले आ रही थी फिल्म की रिलीज को लेकर जब वो दूर हुई, तो उन्होंने शाहरुख खान और रवीना टंडन दोनों से ही फिल्म की डबिंग के लिए डेट्स मांगी। तो दोनों ही एक्टर्स ने इस फिल्म की डबिंग के लिए डेट देने से मना कर दिया। इसके बाद इस फिल्म को डबिंग आर्टिस्ट से डब करवाया गया और किसी तरह इस फिल्म को रिलीज किया गया। और जैसा कि शाहरुख खान को अंदाजा था ही, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर पड़ी और बुरी तरह से फ्लॉप हो गई और कहलाई शाहरुख खान के करियर की सबसे फ्लॉप फिल्म। बॉलीवुड वन मिनट की रिपोर्ट।